हेलो डियर लर्नर्स एंड अचीवर्स, आज हम एक एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल। सपोज वी वांट टू एंटर द स्टूडेंट्स डिटेल्स सच एज रोल नंबर एंड अटेंडेंस। The program should input n students' details, ask roll number from the user, and display the attendance of that specific student. But very important. We have to perform this operation using linked list. We assume, as a beginner, we are assuming we are performing this operation using singly linked list. हमें single linked list से ये operation करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये single linked list से operation किस तरह से होंगे। Single linked list के अंदर पहले तो आपको data structure define करना पड़ेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्ट नोड। यहाँ पर आप स्ट्रक्ट नोड भी लिख सकते हो, स्टूडेंट है तो स्ट्रक्ट स्टूड या स्ट्रक्ट स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको इसके अंदर दो डिटेल्स इनपुट करनी है। पहला होगा आपका रोल नंबर, आप सभी जानते हैं कि रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप होता है। सिमिलरली सेकेंड फील्ड हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस, और स्ट्रक्चर जो होता है उसका पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है तो आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट का ही इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये रोल नंबर है और इंटीजर डेटा टाइप का है, तो इट विल रिक्वायर 2 bytes ऑफ मेमोरी स्पेस, आप सभी जानते हैं। Similarly, attendance is also integer. It will also require 2 bytes of memory space. And any pointer always takes 2 bytes of memory space in Turbo C. अब यानी कि हमें 6 bytes का एक block बनाना पड़ेगा। तो linked list में ये operation किस तरह से किए जाएंगे? Suppose हमें सबसे पहले एक node बनानी होगी। We create a node. So हमने यहाँ पर एक node बना दी। आप ये देखिए, इस node के 3 हिस्से होंगे। पहला जो हिस्सा होगा ये वाला, दिस विल बी कॉल्ड एज रोल नंबर। और ये जो दूसरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है 2 bytes का, इसको हम कहेंगे अटेंडेंस। और ये तीसरा हिस्सा है, ये हमारा पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर रोल नंबर इनपुट करवाना है, तो यूज़र से हम रोल नंबर इनपुट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, स्टूडेंट की अटेंडेंस है फॉर एग्जाम्पल 85 आउट ऑफ 100, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 85 है। नोड का कोई ना कोई एड्रेस ज़रूर होता है, तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस हम ले लेंगे 1000। मेमोरी कहीं पर भी एलोकेट हो सकती है किसी भी नोड के लिए, सो यहाँ पर 1000 उसका एड्रेस होगा। तो ये हमारी पहली नोड बन गई। पहली नोड का नाम हमेशा होता है स्टार्ट। फिर जब आप नेक्स्ट नोड बनाएंगे यानी कि नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स आपको इनपुट करनी है, सो यू हैव टू क्रिएट अ सेकेंड नोड। तो आप स्टेप्स सुनते जाइए और समझते जाइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ नोड। नोड जब भी बनाई जाती है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है, फॉर एग्जांपल 2050, इट कैन हैव एनी एड्रेस, और उसका नाम होता है टेम्प। आप कोई भी पॉइंटर वेरिएबल ले सकते हैं, स्टार्ट टेम्प ये सभी पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट लिख देते हैं, उनको आपको स्टार्ट से डिक्लेयर करना होगा। तो जैसे ही आप ये एक नई नोड बनाएंगे टेम्प, उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी 2050, 6 bytes की मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, ये फील्ड का नाम होगा रोल नंबर, ये फील्ड का नाम होगा अटेंडेंस, और ये फील्ड का नाम होगा स्टार नेक्स्ट। तो अब आपको स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट की अटेंडेंस है फॉर एग्जाम्पल 70, और नेक्स्ट में हमेशा पहले नल आएगा। यहाँ पर भी प्रीवियसली जब आप पहली नोड बनाएंगे तो नल आएगा, लेकिन अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, वी नीड टू कनेक्ट देम।
तो ये जो नोड है इसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट के नेक्स्ट में आप टेम्प का एड्रेस रख दीजिए। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में जब आप टेम्प का एड्रेस रखते हैं सो यहाँ पर आ जाएगा 2050। 2050 आने की वजह से यहाँ पर ये पॉइंटर इस तरह से बताया जाता है दैट दीज टू नोड्स आर नाउ लिंक्ड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड। इस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में कनेक्ट होती जाती हैं। इतना कनेक्शन बताने के बाद आपको ऐसे कंटिन्यूअसली बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करवानी है। सपोज अब हमें नेक्स्ट नोड बनानी है सो वी क्रिएट अ न्यू नोड। इस तरह से हमने एक नोड बना दी, उसका कोई भी एड्रेस होगा सो वी टेक फॉर एग्जाम्पल 5080, और जैसा कि आपको बताया उसका नाम होगा टेम्प। नाउ दिस नोड विल बी कॉल्ड एज टेम्प। इसके तीन हिस्से हैं आपको बताया अभी, द फर्स्ट पार्ट इज रोल नंबर, सेकेंड पार्ट इज अटेंडेंस एंड द थर्ड पार्ट इज स्टार नेक्स्ट, यानी कि पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हमने इनपुट किया 3, अटेंडेंस इज फॉर एग्जाम्पल 89 एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड हमेशा स्टार्टिंग में नल रहता है। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें ये हमारी लास्ट नोड है लिंक लिस्ट के अंदर। जब आपने ये पहली नोड बनाई थी यही फर्स्ट नोड थी और यही लास्ट नोड थी, लेकिन अब आपकी ये सेकेंड यानी कि ये लास्ट नोड है। लास्ट नोड की पहचान ये होती है कि उसके नेक्स्ट फील्ड में नल होता है। तो अब आपको यहाँ पर इसके नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस रखना है, बट वेरी इंपॉर्टेंट इसका कोई नाम नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर इसको एक नाम देना पड़ेगा, हम अज्यूम करते हैं इसका नाम है करंट। तो हमें एक लूप चलानी होगी जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता। ध्यान से सुनिए, जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक हमें लूप चलानी है। जैसे ही करंट का नेक्स्ट नल होगा हम एक काम करेंगे। देखिए यहाँ पर अपने आप से पूछिए क्या करंट का नेक्स्ट नल है? नहीं, करंट का नेक्स्ट 2050 है। अगर करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कीजिए इस तरह से, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ऐसे इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग में लिखना होगा। तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करने से ये जो आपका करंट था, इधर देखिए ये जो आपका करंट था यानी कि ये वाली नोड थी उसका नेक्स्ट यानी कि 2050 यानी कि ये करंट बन जाता है। इस तरह से पॉइंटर शिफ्ट होता है, यानी कि अब करंट पॉइंटर के अंदर इस नोड का एड्रेस होगा। करंट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट करने से वापस से लूप के अंदर कंडीशन चेक करनी है। याद कीजिए आपको कंडीशन अभी बताई थी, क्या करंट का नेक्स्ट नल है? यस, करंट का नेक्स्ट नल है। तो अब आप लूप से बाहर आकर, ध्यान से सुनिए, लूप से बाहर आकर करंट के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस रख दीजिए। लूप से बाहर आकर करंट के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस रखिए। तो करंट के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5080, जिसकी वजह से ये इसके साथ इस तरह से लिंक होगा लाइक दिस। फिर सिमिलरली आपको एक और स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करवाने के लिए बोली जाए, आप कितनी भी डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में कोई लिमिट नहीं होती। तो सपोज हमने एक और नोड बना दी सो वी क्रिएट वन मोर नोड। इस नोड को बनाने के बाद आप सभी जानते हैं इसके थ्री पार्ट्स हैं, रोल नंबर, सेकेंड पार्ट इज अटेंडेंस एंड द थर्ड पार्ट इज स्टार नेक्स्ट यानी कि पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। हर बार 6 बाइट्स की मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है। इसको हम कोई ना कोई एड्रेस दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 1020, नोड का एड्रेस कुछ भी हो सकता है। इसका नाम होगा टेम्प, सो दिस नोड इज कॉल्ड एज टेम्प। नाउ टेम्प के रोल नंबर में यानी कि टेम्प का फर्स्ट पार्ट में हम स्टोर कर देते हैं फोर्थ स्टूडेंट की डिटेल्स, और अटेंडेंस है फॉर एग्जाम्पल 50 और उसके नेक्स्ट में नल स्टोर कर दिया। अब आपको इस लास्ट नोड को इस नोड के साथ कनेक्ट करना है। सिमिलर स्टेप्स आपको फिर से फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नोड का नाम रखना है करंट। तो फर्स्ट नोड का नाम करंट आप किस तरह से रखेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा आपका जैसा पहले बताया था, करंट इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि जो स्टार्ट है वो करंट हो जाएगा। याद कीजिए आपका ये करंट था, तो करंट अब हमें इसको बनाना है क्योंकि इसके नेक्स्ट में ये टेम्प का एड्रेस आएगा। तो आपको करंट इक्वल टू स्टार्ट पहला स्टेप लिखना होगा। तो ये आपकी पहली नोड जो है ये करंट बन जाएगी, और इसके बाद एक लूप चलाइए।
लूप के अंदर आपको एक कंडीशन चेक करवानी है, व्हाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता, तो देखिए क्या करंट का नेक्स्ट नल है? नो, वो तो 2050 है। तो लूप ये फिर से चलेगी और लूप के अंदर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, यानी कि करंट के नेक्स्ट को, यानी कि 2050 को हम करंट बनाएंगे। तो इस तरह से ये शिफ्ट होगा, वापस से हम ये लूप चलाएंगे, कंडीशन चेक करवाइए कि वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो देखिए क्या करंट का नेक्स्ट नल है? नहीं, करंट का नेक्स्ट नल नहीं है, 5080 है। अगेन ये लूप चलेगी तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट होगा, यानी कि करंट के नेक्स्ट को करंट बना दिया जाएगा। इस तरह से पॉइंटर शिफ्ट होता रहता है। जब फिर से ये कंडीशन चेक होगा कि क्या करंट का नेक्स्ट नल है, देखिए इधर क्या करंट का नेक्स्ट नल है, यस, तो ये लूप को टर्मिनेट करेगा। और इस लूप को टर्मिनेट करने के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है लूप के बाहर। लूप के बाहर हमें क्या करना है? करंट के नेक्स्ट में टेम्प को रखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, करंट के नेक्स्ट में टेम्प को लिखेंगे लाइक दिस। तो करंट के नेक्स्ट में आप टेम्प को स्टोर कर दीजिए, करंट के नेक्स्ट में यानी कि नल की जगह पर टेम्प को स्टोर कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1020। अब इसकी वजह से ये इस तरह से लिंक हो जाएगी, यानी कि आपने फोर्थ नोड भी इंसर्ट कर दी। इस तरह से आप कितनी भी नोड्स लिंक लिस्ट के अंदर बना सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने इतना पार्ट तो कर दिया। सपोज वी वॉन्ट टू एंटर द स्टूडेंट्स डिटेल्स सच एज रोल नंबर एंड अटेंडेंस, द प्रोग्राम शुड इनपुट एन स्टूडेंट्स डिटेल्स, एन यानी कि जितनी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू 4 राइट नाउ। अब एन इक्वल टू 10 होगा तो ऐसी 10 नोड्स बनेंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क रोल नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द अटेंडेंस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट। अगर हम इनपुट करें कि फॉर एग्जाम्पल 2, तो उसकी अटेंडेंस 70 दिखनी चाहिए। अगर हम इनपुट करते हैं 4, तो उसकी अटेंडेंस 5050 दिखनी चाहिए। अगर हम इनपुट करते हैं 3, तो उसकी अटेंडेंस 89 दिखनी चाहिए। वी हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमने बना ली है। ये ऑपरेशन किस तरह से करना है, देखिए सिंपल कंसेप्ट है। आपको एक सर्च नाम का फंक्शन बनाना होगा, जिसमें एक लूप चलानी होगी। लूप चलाने से पहले आपको रोल नंबर इनपुट करना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने रोल नंबर इनपुट किया 3, तो आप एक लूप चलाइए कि क्या करंट, इसका नाम आप रख दीजिए करंट। सपोज यूजर ने इनपुट किया 3, यानी कि रोल नंबर 3 की अटेंडेंस हम जानना चाहते हैं। तो यूजर इनपुट करेगा 3 और करंट के रोल नंबर के साथ आप 3 को कंपेयर कीजिए कि क्या करंट का रोल नंबर यानी कि 1 हमारा इनपुट 3 से मैच होता है। नो, फिर से लूप चला दीजिए करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करके। क्या करंट का रोल नंबर यानी कि 2 हमारा इनपुट यानी कि 3 से मैच होता है। नो, फिर से आप लूप चला दीजिए करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करके। क्या करंट का रोल नंबर यानी कि 3 हमारे इनपुट से मैच करता है। यस, तो हम करंट की अटेंडेंस डिस्प्ले करवाएंगे। आप दोनों चीज़ें भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर 3 यानी कि करंट के रोल नंबर की करंट की अटेंडेंस यानी कि 89 है। रोल नंबर 3 की अटेंडेंस 89 है, मतलब कि कंपैरिजन में आपको करंट का रोल नंबर करना है, लेकिन डिस्प्ले होगा करंट की अटेंडेंस और उसके साथ उसका रोल नंबर भी। और ये लूप कब तक चलेगी? ये लूप चलेगी जब तक करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करते जाएंगे, जब तक आपके करंट के नेक्स्ट में नल नहीं होता। ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो ये चीज़ हमें प्रोग्रामिंग की मदद से, टर्बो सी के प्रोग्राम में ये चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है। लेट्स सी ये किस तरह से किया जाता है। हम यहाँ पर डेफिनेशन फिर से लिख देते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड अटेंडेंस डिस्प्ले स्पेसिफिक स्टूडेंट्स अटेंडेंस व्हेन यूजर इनपुट्स अ रोल नंबर, परफॉर्म द ऑपरेशन यूजिंग सिंगल लिंक्ड लिस्ट। ये आपका कमेंट है हेडर सेक्शन, आप सभी को पता है दिस इज कॉल्ड एज हेडर सेक्शन।
प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड stdlib.h, ये हेडर फाइल्स आप पहले ही इंक्लूड कर लीजिए, ये आपको आगे जाकर काम लगती हैं। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, जैसा आपको बताया स्ट्रक्ट स्टूडेंट या फिर सिर्फ स्टूड छोटा नाम रखिए। उसमें हम लेंगे तीन फील्ड, एक तो रोल नंबर, दूसरा अटेंडेंस और तीसरा स्ट्रक्ट स्टूड स्टार नेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसको हम बंद कर देते हैं और सेमी कॉलन इज कंपल्सरी। आपके प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन से होती है, void main ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर हम पूरा कोड लिखेंगे। चॉइस वेरिएबल हमें काम लगेगा intch। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हम नोड बना रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूड, हमें इसमें कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स काम लगेंगे। वो पॉइंटर वेरिएबल्स के नाम हमने आपको बता दिए थे, उनके नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार स्टार्ट, स्टार टेम्प, स्टार करंट, आप चाहें जितने डिक्लेयर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बेसिक पॉइंटर वेरिएबल्स, ये तीन ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम में काम लगते हैं, स्टार्ट टेम्प और करंट। पीटीआर और प्रीवियस ज़रूरत नहीं लगते, काम नहीं लगते, तो आप उनको डिक्लेयर नहीं कीजिए। जितने वेरिएबल्स की ज़रूरत हो उतने ही डिक्लेयर कीजिए। तो फिलहाल तो हमें इनके बारे में पता नहीं है कि ये कहाँ पर काम लगेंगे, लेकिन इनको हम डिक्लेयर कर देते हैं। दीज थ्री आर बेसिक वेरिएबल्स। सबसे पहले आपको स्टार्ट इक्वल टू नल करना है कंपलसरी। बिल्कुल शुरुआत में स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल के अंदर नल स्टोर होगा, यानी कि वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं करता है। इसके बाद हमें यूज़र को सभी चॉइसेस दिखानी है, सो वी हैव टू शो द चॉइसेस टू द यूज़र। स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन ज़रूर कीजिए, जीरो टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। उसके बाद फर्स्ट चॉइस आप यूज़र को दीजिए, चॉइस नंबर वन, टू एंटर द स्टूडेंट्स डिटेल्स। स्टूडेंट की डिटेल्स हम इनपुट करवा लेते हैं। एक और चॉइस देते हैं, जैसा कि आपको पता है स्पेसिफिक स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट किया जाएगा और उसकी अटेंडेंस डिस्प्ले होगी। सो सर्च स्पेसिफिक स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये भी यूज़र को दिखाई देगा। स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट एस अपोस्ट्रॉफी स्टूडेंट्स। और एक और चॉइस यूज़र को दिखा देते हैं कि सपोज़ यूज़र हर एक स्टूडेंट की डिटेल देखना चाहता है, तो डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। इतना करने के बाद यूज़र से आप चॉइस इनपुट ले लीजिए, स्लैश एन करके एंटर योर चॉइस। और चॉइस इनपुट करवाने के लिए आपको स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, परसेंटेज डी एम्परसेंड सी एच। जो वेरिएबल काम लगे उस समय उसको डिक्लेयर कीजिए। जैसे ये पहले हमने डिक्लेयर कर दिया चॉइस वेरिएबल, इसमें हम यूज़र से चॉइस इनपुट लेंगे कि आप क्या करवाना चाहते हैं, यानी कि वेदर यू वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम तो ज़ीरो इनपुट कीजिए, अगर स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करनी है तो वन, स्पेसिफिक स्टूडेंट की अटेंडेंस देखनी है तो टू प्रेस कीजिए, और सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स देखनी है तो थ्री प्रेस कीजिए। तो जैसा यूज़र चॉइस इनपुट करेगा उस हिसाब से प्रोग्राम के अंदर जाएगा। स्विच केस बना दीजिए, स्विच सी एच ओपनिंग ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर हम यूज़र को सभी चॉइस दिखाएंगे। केस ज़ीरो के बाद हमेशा कॉलन आता है, ऑलवेज यूज़ कॉलन इन स्विच केस, ये नहीं भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर सेमी कॉलन कर देते हैं तो एरर आती है, सो यू हैव टू यूज़ कॉलन। केस ज़ीरो में हम प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं, सो एग्जिट ज़ीरो, और हर एक केस के बाद ब्रेक आता है। यहाँ पर दूसरा केस दिखाते हैं, केस वन, कि यूज़र अगर वन इनपुट करता है तो हमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स इनपुट करनी है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने जैसी है, केस ज़ीरो में हमने एग्जिट लिखा,
एग्जिट के बाद यदि आप ब्रेक नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा और ब्रेक से भी उस पार्ट से बाहर आता है। तो आप ब्रेक लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंटेक्स प्रॉपरली फॉलो हो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखी है। सेकेंड चॉइस यूजर जब इनपुट करता है तब हमें स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करवानी है, तो दो डिटेल्स इनपुट करवानी है। तो आप यहाँ पर लिखिए प्रिंट एफ एंटर स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करवाइए, और वो इनपुट करवाने के लिए स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट, सपोज रोल नंबर के लिए आर वेरिएबल हम लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आर जैसे ही आप यहाँ पर यूज करते हैं तो उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर आर डिक्लेयर कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा यहाँ पर, उनको पता है अटेंडेंस काम लगेगी, सपोज उनको पता है कि नेम भी इनपुट लेना है, तो कैर नेम सपोज 30 पहले से ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ प्रोग्रामिंग। आपको जब जिस वेरिएबल की ज़रूरत हो उस समय उसे ऊपर जाकर डिक्लेयर कीजिए। तो अब हमने रोल नंबर इनपुट लेना है तो आर वेरिएबल को हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। एम्परसेंट करना नहीं भूलिएगा, एड्रेस ऑफ यानी कि आर पर इनपुट होगा। सिमिलरली सेकेंड हम इनपुट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटर स्टूडेंट्स अटेंडेंस, तो स्टूडेंट की अटेंडेंस इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ यहाँ पर परसेंटेज डी एम्परसेंट ए वेरिएबल ले लेते हैं अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपने ए यूज़ किया है तो ए को डिक्लेयर कीजिए। रोल नंबर और अटेंडेंस सभी इंटीजर वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। ये दोनों इनपुट होने के बाद हमें अब ऑपरेशन करना है, यानी कि हमें इसे ऐड करना है। सो ऐड रोल नंबर एंड अटेंडेंस आर ए, उसको हम ऐड करेंगे और ब्रेक कर देंगे। इसी प्रकार केस टू आएगा और केस थ्री आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए जब तक आपका एक केस का काम कंप्लीट नहीं होता आपको दूसरा केस, केस टू केस थ्री का कोड नहीं लिखना है। आप यहाँ पर डिफॉल्ट लिख दीजिए कि सपोज यूज़र ने जीरो और वन के अलावा कोई भी चॉइस इनपुट की तो ये डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ये मैसेज यूज़र को दिखाई देगा कि अगर कोई भी आपने गलत चॉइस डाली तो ये मैसेज यूज़र को प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद भी जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन लिखेंगे तो सही रहेगा। तो ये डू का ओपनिंग ब्रैकेट हमने किया है, ये स्विच केस का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मतलब डू का क्लोजिंग ब्रैकेट बाकी है। ऐसी गलती आप कभी नहीं कीजिएगा, ये क्लोजिंग ब्रैकेट ये इस डू का है, इसीलिए प्रोग्राम में इंडेंटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है इसी तरह से एक ही लाइन में सीक्वेंस में इस तरह से कोड लिखते जाते हैं, तो बिना इंडेंटेशन के आपका प्रोग्राम नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पार्ट कैसा है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग सही नहीं की जाती, हमेशा प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेंटेशन यानी कि स्पेसिंग, टैब स्पेसिंग ज़रूर फॉलो कीजिए। अब यहाँ पर हमने ऐड नाम का एक फंक्शन कॉल किया है, ऐड आर ए, लेकिन आपने देखा कि हमने ऐसा फंक्शन तो कहीं बनाया ही नहीं, तो अब हमें इस फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन करना है। फंक्शन का डिक्लेरेशन हमेशा ऊपर होता है, किसके ऊपर? मेन के ऊपर, ये आपका मेन फंक्शन है, इसके ऊपर आप फंक्शन को डिक्लेयर कीजिए। अब आपकी मर्जी है आप स्ट्रक्ट नोड के ऊपर करना चाहते हैं या स्ट्रक्ट नोड के नीचे, दैट इज़ अप टू यू। हम यहाँ पर एक ही सिंटैक्स फॉलो करेंगे, एक ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे कि हम स्ट्रक्ट नोड के ऊपर डिक्लेयर करेंगे। तो void फंक्शन का नाम है add, और सपोज रोल नंबर है तो int रोल नंबर int attendance क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन से कंपाइलर को पता चलता है कि ऐसा कोई फंक्शन आगे जाकर आने वाला है। तो अब इसको आपने डिक्लेयर किया है तो अब इसको आपको डिफाइन करना है कहाँ, ये मेन के क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे। सो यू हैव टू डिफाइन इट इन द एंड। सो void add ब्रैकेट में int रोल नंबर int अटेंडेंस, सेम सिंटैक्स है लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम सारी स्टेटमेंट्स लिखेंगे।
अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने आपको बताया कि आपने स्ट्रक्ट स्टूड बना दिया, स्ट्रक्ट स्टूड स्टार नेक्स्ट, ये उसका पॉइंटर वेरिएबल हो गया। आपने यहाँ पर कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, स्टार स्टार्ट, स्टार टेम्प, स्टार करंट। सपोज़ आप ये यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करते, सपोज़ नहीं करते, तो आपको हर एक फंक्शन में इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूड, हमारी नोड का नाम है स्टूड स्टार स्टार्ट। स्टार स्टार्ट तो आपको बाहर ही डिक्लेयर करना है, स्टार स्टार्ट को आप हमेशा यहाँ पर ही डिक्लेयर करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, करंट, टेम्प, प्रीवियस, पीटीआर, उनको आप हर एक फंक्शन के अंदर अलग से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर स्टार टेम्प डिक्लेयर किया, सिमिलरली स्टार करंट डिक्लेयर किया, ऐसे आपको हर एक फंक्शन के लिए अलग से करना पड़ेगा। आगे जाकर जैसे हम डिस्प्ले फंक्शन बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको फिर से फर्स्ट लाइन ये लिखनी पड़ेगी, स्ट्रक्ट स्टूड स्टार टेम्प स्टार करंट, मतलब जो भी पॉइंटर्स आपको काम लगेंगे। डिस्प्ले में टेम्प का यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज रिडंडेंट कोड। रिडंडेंट कोड यानी कि आपने एक ही कोड को बार बार लिखा, दिस इज इनएफिशिएंट, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आपको बताया कि आप इन पॉइंटर वेरिएबल्स को, समझदारी ये कहती है कि आप इन पॉइंटर वेरिएबल्स को हमेशा ऊपर डिक्लेयर स्टार्टिंग में कर ही दीजिए, स्टार स्टार्ट, स्टार करंट, स्टार टेम्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी पॉइंटर वेरिएबल्स आप साथ में डिक्लेयर करेंगे तो कभी ना कभी आपके लिंक्ड लिस्ट के प्रोग्राम के अंदर आपको इनको इस्तेमाल करना ही होगा। तो हम इनको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करेंगे, रिडंडेंट डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। हम अब एक नोड बनाएंगे, हमें एक नोड बनानी है, जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि हमें रोल नंबर, नेम और नेक्स्ट यानी कि पॉइंटर वेरिएबल को इंक्लूड करना है। तो एक नोड बनानी है 6 बाइट्स की, उसको बनाने के लिए टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार, ध्यान से देखिएगा, इसे आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, टेम्प इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार। उसके बाद आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, मैलॉक ब्रैकेट्स ओपन साइज ऑफ, साइज ऑफ को साथ में लिखना है, साइज ऑफ फिर से ब्रैकेट ओपन करके स्ट्रक्ट नोड, ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। सिंटेक्स बिल्कुल ध्यान से देखिए इस फंक्शन की, देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर साइज ऑफ एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन की पहचान क्या होती है कि उसके स्टार्टिंग में ओपनिंग ब्रैकेट्स और एंडिंग में क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। तो साइज ऑफ फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रक्ट नोड, एक ये हमारी जो डेटा टाइप है वो हमने पास की है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड पता है क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 6। जब आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखते हैं साइज ऑफ आई एन टी, आपको मालूम है इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो साइज ऑफ फंक्शन 2 रिटर्न करता है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप की साइज 2 है। साइज ऑफ फ्लोट 4 रिटर्न करता है, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप की साइज 4 है। सिमिलरली साइज ऑफ हमने क्या बनाई है डेटा टाइप, स्ट्रक्ट स्टूड यानी कि नोड, तो ये इसका साइज क्या रिटर्न करेगा, 6 बाइट्स रिटर्न करेगा, मतलब कि इसका ये 6 बाइट की मेमोरी स्पेस अलोकेट करेगा, किसकी मदद से, मैलॉक फंक्शन की मदद से। तो मैलॉक के अंदर हमें ये आर्ग्यूमेंट पास करना है, मैलॉक फंक्शन के अंदर ओपनिंग ब्रैकेट एंड ये उसका क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने ये आर्ग्यूमेंट पास की है साइज ऑफ। तो मैलॉक फंक्शन से 6 बाइट की मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाएगी। याद कीजिए वीडियो के शुरुआत में आपको बताया, रोल नंबर, अटेंडेंस और नेक्स्ट पार्ट, 6 बाइट्स की मेमोरी स्पेस अलोकेट होगी। और ये है आपका टाइप कास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैलॉक फंक्शन वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है, VOID, void pointer, हमें उसको हमारे डिफाइन किए गए डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। हमने कौन सा डेटा टाइप डिफाइन किया है, स्ट्रक्ट स्टूड, और स्ट्रक्ट स्टूड का वेरिएबल क्या है, टेम्प, ध्यान से सुनिएगा, हमने एक डेटा टाइप डिफाइन की है स्ट्रक्ट स्टूड, और उसका वेरिएबल क्या डिफाइन किया है, टेम्प। याद कीजिए यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, टेम्प, तो टेम्प का टाइप क्या है, टेम्प का टाइप है स्टूड, स्ट्रक्ट स्टूड। तो हमें जो ये पॉइंटर रिटर्न करता है वॉइड, उसको हमें स्ट्रक्ट स्टूड में टाइप कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर आपको
स्ट्रक्ट स्टूड लिखना है, स्ट्रक्ट स्टूड, दिस इज टाइप कन्वर्जन पार्ट, स्ट्रक्ट स्टूड। तो टेम्प के अंदर, टेम्प पॉइंटर वेरिएबल के अंदर इस नोड का एड्रेस आएगा, ये पूरी की पूरी नोड जो अलोकेट होगी 6 बाइट्स की। जैसे कि आपने वीडियो में देखा फर्स्ट नोड का एड्रेस 2000 या 1000 जो भी था, उस हिसाब से आपकी मेमोरी स्पेस अलोकेट होती है। अब आप चेक कीजिए कि क्या मेमोरी सक्सेसफुली अलोकेट हुई। तो ऐसा चेक करने के लिए हमें लिखना है इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू नल, प्रिंट एफ न्यू लाइन, नॉट इनफ मेमोरी अवेलेबल, और यहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। ये इफ कंडीशन के अंदर आपको चेक करवाना है, यानी कि इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू नल। अब ध्यान से सुनिए, इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू नल, ये कंडीशन टर्बो सी में आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में कभी भी ट्रू नहीं होगी। आप इसको ऐसा समझिए कि आपकी मेन मेमोरी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि समुद्र में बहुत सारा पानी है और उसमें से सिर्फ आपको एक स्पून जितना पानी निकालना है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बाइट्स में से आपको सिर्फ 6 बाइट्स की मेमोरी स्पेस की जरूरत है। तो इफ टेम्प इक्वल इक्वल टू नल, यानी कि आप चेक करवा रहे हैं कि क्या उस स्पून में, जब आपने स्पून में उस समुद्र में से पानी भरने की कोशिश की, तो क्या पानी भरा? ऑफ कोर्स वो भरेगा। कभी भी इस ये प्रिंट नहीं होगा कि मेमोरी इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में। फिर भी ये कंडीशन हमें चेक करवाना बहुत जरूरी है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधी बात है, अब हमें रोल नंबर के अंदर, ये जो आपकी फील्ड है, स्टूडेंट के रोल नंबर के अंदर और स्टूडेंट के अटेंडेंस के अंदर जो डेटा यूजर ने इनपुट किया है, क्या इनपुट किया है? रोल नंबर यानी कि आर और अटेंडेंस यानी कि ए, वो इनपुट करवा लेना है। आप जानते हैं कि ये आर यानी कि रोल नंबर यहाँ पर इस आर के अंदर आएगा, और सिमिलरली ये जो ए है यानी कि अटेंडेंस, वो इस वेरिएबल ए के अंदर आएगी। और इतना होने के बाद आपको अब आगे का काम करना है। जैसा कि आपको बताया, हमारी नोड का नाम है टेम्प, तो टेम्प के रोल नंबर के अंदर, हमारे वेरिएबल का नाम है रोल नंबर, टेम्प के रोल नंबर के अंदर हम आर इनपुट करवा देंगे इस तरह से, इक्वल टू आर। सिमिलरली टेम्प के दूसरी फील्ड है हमारी अटेंडेंस, उसमें हम इनपुट करवा देंगे ए के अंदर जो होगा, यानी कि जो आर में होगा, जो रोल नंबर इनपुट किया होगा यूजर ने, वो टेम्प के रोल नंबर में जाएगा। सिमिलरली जो यूजर ने अटेंडेंस इनपुट की होगी वो टेम्प के अटेंडेंस में जाएगा। और थर्ड फील्ड हमारी नोड की होगी, टेम्प के नेक्स्ट में हम नल स्टोर करेंगे। नल हमेशा आपको कैपिटल्स में लिखना है, कभी भी स्मॉल में नहीं लिखिएगा। उसके बाद करंट इक्वल टू स्टार्ट, पहली नोड पर पॉइंट करने के लिए, सपोज आपकी पहली नोड है 2000 पर, तो करंट भी आपका पॉइंटर वेरिएबल स्टार्टिंग में 2000 पर पॉइंट करेगा। अब आपको पहली नोड बनानी है, यू हैव टू क्रिएट द फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड बनाने के लिए चेक कीजिए इफ स्टार्ट इक्वल इक्वल टू नल। तो यहां पर देखिए, स्टार्टिंग में स्टार्ट आपका नल है, आपको बताया गया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट इक्वल टू नल डिफाइन किया है। ये स्टार्ट इक्वल टू नल आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हैं, स्टार्ट इक्वल टू नल इस तरह से, तो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहीं पर लिखते हैं जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ था प्रोग्राम की शुरुआत में, स्टार्ट इक्वल टू नल डिक्लेयर करना, डिफाइन करना अच्छा है। तो अब हमें चेक करवाना है कि क्या हमारी ये फर्स्ट नोड बन रही है। ओनली वेन द फर्स्ट नोड इज बीइंग क्रिएटेड, जब आपकी सिर्फ फर्स्ट नोड पहली बार बन रही होगी, तब आपको, तब ये कंडीशन चेक होगी। तो इफ स्टार्ट इक्वल इक्वल टू नल, सीधी बात है, पहली बार ये कंडीशन ट्रू होगी, तो आपने जो नोड बनाई है उसका नाम है टेम्प। तो अब आप इस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, यानी कि जो टेम्प है पहली नोड, वही आपकी स्टार्टिंग नोड बनेगी, और स्टार्ट के नेक्स्ट में नल, इस तरह से, ये आपके इफ का क्लोजिंग ब्रैकेट।
ये वाली लाइन स्टार्टिंग में अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा। इसका कारण है क्योंकि आपने पहले से ही टेम्प के नेक्स्ट में नल कर दिया है, तो स्टार्ट के नेक्स्ट में नल अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा आपका काम। तो स्टार्ट के नेक्स्ट में हम नल कर देते हैं। उसके बाद सपोज यूज़र पहली नोड नहीं बना रहा है, उसके अलावा जितनी भी बार हम नई नोड बनाएंगे, तो आपको बताया था कि आपको एक कंडीशन चेक करानी है कि जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, वाइल करंट ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, हमें नेक्स्ट नोड पर जाते जाना है, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, इस तरह से क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ दिस वाइल लूप। और ये वाइल लूप जनरली हर एक फंक्शन के अंदर आता ही है। जब आप लास्ट नोड पर पहुंच जाएंगे, सपोज आपकी तीन नोड बनी हुई है, तीसरी नोड के बाद आपको चौथी नोड ऐड करनी है, फोर्थ नोड ऐड करनी है, तो आपकी करंट नोड होगी जो भी, तो करंट के नेक्स्ट में हम टेम्प को स्टोर कर देंगे, यानी कि जो नई नोड हमने बनाई है, और टेम्प के नेक्स्ट में हम स्टोर करेंगे नल को, इस तरह से। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है आपके एल्स पार्ट का, और ये है आपका फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट। इस तरह से ये आपका पहला फंक्शन बना। अब आपने नोड्स बना दी, यानी कि नोड आपने ऐड की, आपकी नोड कहाँ पर ऐड हो रही है, एंड पर, तो हम फंक्शन का नाम कर देते हैं ऐड एंड। यहाँ पर आप इस तरह से ऐड एंड कर दीजिए, सब जगह पर चेंजेस कर दीजिए, ऐड एंड। अब ऐड हो गई तो हमें डिस्प्ले भी करवाना है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बना दीजिए, सिंपल फंक्शन। अब हम यहाँ पर सभी नोड्स को डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए सपोज Case 3, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने Case 3 लिया है, पहले डिस्प्ले का काम करवा देते हैं फिर हम सर्च का काम करवाते हैं। तो Case 3 डिस्प्ले हमें सिंपल फंक्शन की मदद से करवाना होगा, तो डिस्प्ले सिंपल फंक्शन है और उसका ब्रेक पार्ट, तो हम यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले करवाने के लिए आपको पहली नोड से लेकर एंड तक सभी नोड्स को डिस्प्ले करवाना है, तो स्टार्टिंग में करंट इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट जहाँ पर भी होगा वहीं पर स्टार्टिंग में करंट पॉइंट करेगा। अब आप चेक करवाइए इफ करंट इक्वल इक्वल टू नल, इसका मतलब है कि आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर देखिए स्टार्ट नल होगा तो सीधी बात है करंट भी नल हो जाएगा, और करंट अगर नल होगा इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट ही नहीं है, स्टार्ट ही नल है, करंट ही नल है, तो आपकी लिंक लिस्ट नहीं है। तो चेक करवाइए इफ करंट इक्वल इक्वल टू नल, तो यू कैन से दैट प्रिंट एफ रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड। अगर करंट इक्वल टू नल नहीं है तो एल्स पार्ट के अंदर जाइए, यहां पर हम सिंपल स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा देते हैं, स्टूडेंट्स अटेंडेंस इज बिलो। हमें रोल नंबर और अटेंडेंस दोनों देखना है, सो प्रिंट एफ रोल नंबर, और टैब स्पेस लेकर हम डिस्प्ले करवा देते हैं फॉर एग्जांपल अटेंडेंस। वाइल हमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, तो जब तक करंट नल नहीं होता, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, आप ये कंडीशन चेक करवाइए, और इस लूप के अंदर आप लिख दीजिए कि हमें जो डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ, पहली फील्ड है आपकी स्टूडेंट का रोल नंबर, तो उसके लिए आप यूज़ कीजिए रोल नंबर, और वो है आपका करंट का रोल नंबर। सिमिलरली आप दूसरी फील्ड डिस्प्ले करवाना चाहते हैं परसेंटेज डी करंट का अटेंडेंस, करंट स्टूडेंट की अटेंडेंस, और इसको आप टैब स्पेस से डिस्प्ले करवाइए क्योंकि आपने यहाँ पर भी टैब स्पेस लिया है, तो फॉर्मेटिंग थोड़ा सा प्रॉपर आएगा और हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड न्यू लाइन में जाएगा, तो न्यू लाइन कर दीजिए आप यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल्स पर जाने के लिए करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट नोड पर आपको लेकर जाएगा। क्लोजिंग ब्रैकेट प्रिंट एफ न्यू लाइन कर दीजिए,
ये क्लोजिंग ब्रैकेट है else पार्ट का और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है आपके डिस्प्ले फंक्शन का। तो दो फंक्शंस हमने बना लिए, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों फंक्शंस सही तरीके से चल रहे हैं। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। देर आर फोर एरर्स। डू स्टेटमेंट मस्ट हैव अ वाइल। देखिए बहुत बड़ी गलती हमने कर दी, यहाँ पर डू हमने लिखा है तो यहाँ पर वाइल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आप लिखिए वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब तक यूज़र चॉइस के अंदर ज़ीरो इनपुट नहीं करता, ज़ीरो किसके लिए है? ज़ीरो है एग्जिट होने के लिए। तो जब तक आप ज़ीरो प्रेस नहीं करते आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चलता जाएगा। तो अब आप इसको फिर से रन करके देखिए, देर इज स्टिल वन एरर, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमी कॉलन इज मिसिंग। तो हम यहाँ पर सेमी कॉलन डाल देते हैं, सेव कर देते हैं stud.c। ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए यहाँ पर एंटर योर चॉइस, ज़ीरो प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ज़ीरो प्रेस करने का कोई मीनिंग नहीं है। आपके प्रोग्राम के अंदर लास्ट स्टेटमेंट गेट ch लिखना बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको की प्रेस करके डायरेक्टली आउटपुट दिखाई देगा। कंट्रोल F9। सपोज हमने वन इनपुट किया, स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करनी है, रोल नंबर इज़ 185 इज़ द अटेंडेंस। तो आप डिस्प्ले करा के देख लीजिए, देखिए रोल नंबर 1 एंड 85 इज़ द अटेंडेंस। फिर से चॉइस 1, दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स इनपुट करते हैं, रोल नंबर इज़ 2, अटेंडेंस इज़ फॉर एग्जाम्पल 78। आप डिस्प्ले करा दीजिए, चॉइस इज 3, देखिए रोल नंबर 2 78 उसमें ऐड हो गया, नोट्स बनती जा रही हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल इनपुट करवाइए, स्टूडेंट रोल नंबर इज़ फॉर एग्जाम्पल 3, अटेंडेंस इज़ फॉर एग्जाम्पल 56। फिर से चॉइस 4, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज़ फॉर एग्जाम्पल 4 एंड अटेंडेंस इज़ फॉर एग्जाम्पल 69। डिस्प्ले करवा दीजिए, सभी सक्सेसफुली इंसर्ट और डिस्प्ले हो रहा है। तो इतना करने के बाद इतना तो कन्फर्मेशन है कि अब हम सर्च कर सकते हैं, दो काम हो गए तो एग्जिट हो जाते हैं। तो अब हमें सर्च करना है, तो आप यूज़र को एक और चॉइस दे दीजिए। यहाँ पर हम एक चॉइस देते हैं, चॉइस नंबर 2, केस 2। हमें यूज़र से इनपुट करवाना पड़ेगा कि आप कौन से स्टूडेंट की अटेंडेंस देखना चाहते हैं। तो प्रिंट एफ स्लैश एन विच स्टूडेंट्स अटेंडेंस डू यू वॉन्ट टू सी। यूज़र से हमें ऐसा इनपुट लेना पड़ेगा। तो स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एक्स, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, भाई एक्स स्टूडेंट की हम अटेंडेंस देखना चाहते हैं। तो सीधी बात है, अब आपको एक्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक्स को डिक्लेयर करते हैं। जैसे जैसे वेरिएबल आए वैसे वैसे आप उसे डिक्लेयर कीजिए। तो डिक्लेयर करने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च फंक्शन बनाना पड़ेगा, सर्च एक्स उसके अंदर पास कर दीजिए। जो यहाँ पर वेरिएबल लिया जाता है वही सेम यहाँ पर पास किया जाता है। फंक्शन को ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए, जब भी कॉल करते हैं कॉल करने के बाद डिक्लेयर किया जाता है। तो void search ब्रैकेट में int x, क्योंकि x वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है। इसको अब हम डिफाइन करते हैं नीचे, आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं, void search int x। अब हमें सर्च किस तरह से करना है, वेरी सिंपल, रोल नंबर इनपुट लेना है और स्टूडेंट की अटेंडेंस डिस्प्ले करवानी है। तो पहले करंट इक्वल टू स्टार्ट करेंगे, ये आपको हमेशा कर देना है कि जो आपकी पहली नोड है स्टार्ट है वही करंट हो जाएगी, यानी कि करंट एंड स्टार्ट बोथ द पॉइंटर वेरिएबल्स विल पॉइंट टू द सेम नोड। अब आप एक लूप चलाइए, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक करंट नल नहीं होता। और अब यूजर से एक कंडीशन चेक करवाइए कि अगर जो यूजर ने इनपुट किया है एक्स वो आपके करंट नोड के रोल नंबर से मैच होता है। वाइल लूप चलाएंगे तो उसके अंदर हमें चेक करवाना है कि इफ एक्स, यानी कि जो स्टूडेंट की अटेंडेंस, जैसे कि रोल नंबर 3 का हम रोल नंबर 3 की अटेंडेंस चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूजर ने 3 इनपुट किया होगा, तो 3 इक्वल इक्वल टू 1, पहली नोड होगी 1, ये फॉल्स हो जाएगा। 3 इक्वल इक्वल टू 2 फिर से चेक होगा, फिर से ये फॉल्स हो जाएगा। 3 इक्वल इक्वल टू 3 ये ट्रू हो जाएगा और ये डिस्प्ले करवाएगा।
तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन चेक करवानी है कि जो यूजर ने इनपुट किया है वो करंट नोड के रोल नंबर से क्या मैच होता है। अगर वो मैच होता है तो हमें उस स्टूडेंट का रोल नंबर और अटेंडेंस डिस्प्ले करवा देना है। तो यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट आएगी प्रिंट एफ, हम यहाँ पर लिख देते हैं रोल नंबर परसेंटेज डी हैज अटेंडेंस परसेंटेज डी, मतलब कि रोल नंबर जो भी है रोल नंबर कौन सा होगा परसेंटेज डी। तो उसको डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, करंट का रोल नंबर और उसकी अटेंडेंस कितनी है, करंट की अटेंडेंस यानी कि सी यू आर आर ए टी टी इस तरह से, यानी कि करंट नोड के रोल नंबर की ये करंट अटेंडेंस है। कंडीशन में हमने यहाँ पर रोल नंबर चेक करवाया इस तरह से कि जो यूज़र ने एक्स इनपुट किया है वो रोल नंबर हमने कंडीशन में चेक करवाया, और कंडीशन में अगर सही हो जाता है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो लूप के अंदर करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट आप कर दीजिए, यानी कि इस लूप के अंदर इस वाइल लूप के अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट की मदद से करंट के नेक्स्ट को करंट बना देंगे, और इतना कंप्लीट होने के बाद आपका ये काम सक्सेसफुली हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सेव करते जाइए कंट्रोल F9। सपोज पहली चॉइस रोल नंबर इज़ 1 स्टूडेंट अटेंडेंस, पहली चॉइस रोल नंबर 2 स्टूडेंट अटेंडेंस, रोल पहली चॉइस रोल नंबर 3 स्टूडेंट अटेंडेंस, पहली चॉइस रोल नंबर 4 स्टूडेंट अटेंडेंस, फर्स्ट चॉइस रोल नंबर 5 स्टूडेंट अटेंडेंस। इतना हमने इनपुट करवाया, इसको डिस्प्ले करवा दीजिए। देखिए आप 5 रोल नंबर और उनकी अटेंडेंस हमने डिस्प्ले करवा दी है। अब चॉइस नंबर 2 इनपुट करवाते हैं, सर्च स्पेसिफिक स्टूडेंट्स अटेंडेंस, विच स्टूडेंट्स अटेंडेंस डू यू वॉन्ट टू सी। फॉर एग्जाम्पल हमें रोल नंबर 4 की अटेंडेंस देखनी है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है रोल नंबर 4 हैज अटेंडेंस 45। आप देखिए जो आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर की लाइन देखिए, रोल नंबर 4 हैज अटेंडेंस 45, कि रोल नंबर 4 की 45 अटेंडेंस है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हम एक और इंसर्ट करवा देते हैं, चॉइस नंबर इज 1, रोल नंबर इज फॉर एग्जाम्पल 6, अटेंडेंस इज फॉर एग्जाम्पल 6, चॉइस इज 1, रोल नंबर इज 7, अटेंडेंस इज फॉर एग्जाम्पल 98, 100 में से 98। सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करवा दीजिए। अब हमें देखना है कि रोल नंबर 7 की अटेंडेंस कितनी है, तो सर्च स्पेसिफिक स्टूडेंट अटेंडेंस चॉइस इज 2, और आपने स्टूडेंट की अटेंडेंस जानना चाहते हैं रोल नंबर 7 की, तो यहाँ पर 7 इनपुट करवा दीजिए। देखिए स्टेटमेंट दिख रही है आपको, रोल नंबर 7 हैज़ अटेंडेंस 98। लेकिन आप देखेंगे तो स्टूडेंट्स अटेंडेंस इज बिलो, वो भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं। देखिए हमने एक छोटी सी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, केस 2 लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, इसीलिए ये क्या कर रहा है, जब आप ब्रेक नहीं लिख रहे तो सर्च तो कर रहा है लेकिन सर्च करने के बाद डिस्प्ले भी कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आप ब्रेक लिख देंगे तो ये वहाँ पर नीचे नहीं जाएगा और डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आप देखिए फिर से, चॉइस इज 1, रोल नंबर 1, अटेंडेंस इज 28, चॉइस इज 1, रोल नंबर 2, अटेंडेंस 54, चॉइस इज 1, रोल नंबर 3, अटेंडेंस इज 87, चॉइस इज 1, रोल नंबर 4, अटेंडेंस इज 89, चॉइस इज 1, रोल नंबर 5, अटेंडेंस इज 87। डिस्प्ले करवा देते हैं सभी स्टूडेंट की डिटेल्स। ये 5 स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपने डिस्प्ले करवा दी। सपोज रोल नंबर 4 की अटेंडेंस आप देखना चाहते हैं तो चॉइस इज 2, रोल नंबर इज 4। आप देखिए एक ही स्टूडेंट की डिटेल प्रिंट हुई, रोल नंबर 4 हैज अटेंडेंस 89। अब हम प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बनता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपको बनाना है, यू हैव टू टेक इनपुट ऑफ रोल नंबर एंड अटेंडेंस, और स्पेसिफिक स्टूडेंट की अटेंडेंस आपको डिस्प्ले करवानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।